हेलो फ्रेंड्स, ये हमारा बेडरूम है और हमारा बेडरूम की वायरिंग फाइनल हो चुकी है। ये हमारी फाइनल इमेज है, लेकिन इसको फाइनल करने से पहले हमको ये चेक कर लेना है कि ड्राइंग के हिसाब से हमारे जो टू वे वायर है, जो इंटरमीडिएट वायर है और जो इसके हाफ है कंट्रोल वायर है, वो सेम टू सेम ड्राइंग के हिसाब से हुए हैं कि नहीं है। क्योंकि जब एक बार हमारी वायरिंग फाइनल हो जाएगी, उसके बाद सीलिंग बंद होने के बाद में हम कुछ भी नहीं कर सकते हैं जल्दी, तो इसलिए हमको पहले से चेक कर लेना है। तो चेक करने के लिए हमको क्या करना पड़ेगा कि हमारे पास मल्टीमीटर होना चाहिए, और उसके बाद कैसे कैसे चेक करना है इस वीडियो में पूरा हम अच्छे से एक्सप्लेन करने वाले हैं। तो प्लीज वीडियो को लास्ट तक देखते रहें, और अगर आप पहली बार हमारी वीडियो को देख रहे हैं तो हमारी वीडियो को लाइक कर दीजिए और हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, जैसे कि हमारे आने वाली लेटेस्ट वीडियो आपको सबसे पहले मिलती रहे। ये हमारा रूम है और ये इस रूम में हमारा सारी वायरिंग हो चुकी है, और इसमें जितना भी हमारा हाफ है टू वे वायर है, यहाँ पे टू वे है और यहाँ पे भी टू वे है, और यहाँ से दो जगह पे और टू वे है, यहाँ पे यहाँ पे। ये हमारा इंटरमीडिएट है, तो हमारा फर्स्ट और लास्ट वाला टू वे है, बाकी बीच के दोनों इंटरमीडिएट आएंगे। तो इसकी वायरिंग हो चुकी है, इसको हमको वायर टेस्ट करना है कि कैसे कैसे टेस्ट किया जाता है। मान लीजिए हमारे बहुत सारे हाफ है, मैं ड्राइंग में दिखाता हूँ। यह हमारा रूम है, रूम के साथ हमारा ये एंट्री डोर है, और डोर के पास हमारे ये कितने चार स्विच हैं, एक नंबर, दो नंबर, तीन नंबर, चार नंबर। चार नंबर स्विच यहाँ से यहाँ तक है। फिर हमारा ये जो लोकेशन है, ये लोकेशन में इतने एरिया का हमारा टू वे स्विच है, चार नंबर, चार नंबर इधर, चार नंबर इधर। ये हमारी फाइनल इमेज है, और ये जो ग्रीन मार्क लगा हुआ जो ब्लिंक कर रहा है, ये हमारा पे एक बॉक्स यहाँ आएगा और दो बॉक्स यहाँ पे आएंगे जो ब्लिंकिंग कर रहे हैं। ये हमारा चार नंबर हो गया, एक दो तीन चार नंबर, उसके बाद पांच छ सात आठ ये, और उसी तरह यहाँ पे पांच छह सात आठ, उसके बाद दस ग्यारह, इसी तरह यहाँ पे भी पांच छह सात आठ दस ग्यारह। तो हमारा ये जो पांच छह सात आठ है, ये हमारा इंटरमीडिएट है, तीन जगह से है, थ्री वे है, तो एक जगह दो तीन, और ये हमारा दस ग्यारह ये टू वे है, सिर्फ यहाँ से यहाँ है। अब इसको हमको चेक करना है, इसकी वायरिंग जो किए हैं हम, ये हमारा पॉइंट है। फॉर एग्जाम्पल जैसे ये हमारा छह नंबर है, ये ट्रैक लाइट छह नंबर है हमारा, उसके बाद सातवां नंबर हमारा यहाँ पे है, ये हमारा सात नंबर वॉल लाइट हो गया, आठ नंबर जो है हमारा ये स्ट्रिप लाइट है, उसके बाद नौ नंबर का हमारा ये स्पॉट लाइट है सीलिंग में, और इसका स्विच सिंगल स्विच है, ये यहीं पे रहेगा। ये फाइनल होने के बाद इस तरह का दिखेगा, और ये हेयर ड्रेसर की जगह है, ये नौ नंबर हो गया। उसके बाद पांच नंबर का हमारा जो है ये कोप लाइट है, यहाँ से यहाँ कॉर्नर तक और यहाँ से यहाँ तक आ रहा है ये स्विच के पास। उसके बाद दस नंबर का जो हमारा है ये पेंडल लाइट है जो ऊपर से हैंग होगा। तो ये सारे हमारे हैं। अभी हमको इसके हाफ कहाँ पे रखना है, मेन कहाँ पे रखना है ये दिखाते हैं हम। ये हमारा स्टार्टिंग पॉइंट है पांच छह सात, तो हमारा यहाँ पे मेन रहेगा, ये बीच में इंटरमीडिएट रहेगा, यहाँ पे टू वे रहेगा, तो यहाँ पे हाफ आएगा, ये लास्ट पॉइंट पे हाफ आएगा, और यहाँ फर्स्ट पॉइंट पे हमारा मेन आएगा। तो यहाँ पे जो हमारे हाफ आएंगे कितने आएंगे, पांच छह सात आठ दस ग्यारह, यानी चार दो छह हाफ आएंगे। अब ये जो हमारे हाफ है, मैं दिखाता हूँ इधर, अभी हमारा लास्ट पॉइंट है, फर्स्ट सेकंड थर्ड। तो ये फाइनल होने के बाद में इस तरह का खूबसूरत डिजाइन रेडी होगा। तो तीसरे वाले स्टेप पे हमारा हाफ आएगा, प्लस टू वे आएंगे, तो ये हमारे हाफ हो गए, एक दो तीन और तीन छह, ये छह हाफ हो गए, पांच नंबर, छह नंबर, सात नंबर, आठ नंबर, दस और ग्यारह। अब इसका जो हमारा पॉइंट गया है सीलिंग में, अब इसको हमको टेस्ट करना है, ये गलत लगा है या सही लगा है, या कैसे इसको कंफर्म करेंगे। तो हमारे पास मल्टीमीटर है, जिसकी वजह से इसको हम चेक करेंगे, इसको कंटिन्यूटी करके इसको दिखाते हैं कैसे चेक किया जाता है। फिर चेक हो जाएगा, फिर हमारा श्योर हो जाएगा, उसके बाद ये सीलिंग बंद हो जाएगा, फिर इसमें हम कुछ भी नहीं कर सकते। तो ये इसको सीलिंग बंद होने से पहले इसको हम श्योर करके फाइनल करके, ये हमारा मल्टीमीटर है, और मल्टीमीटर में हमको क्या करना है, कंटिन्यूटी को सेलेक्ट कर लेना है। ये ऑफ हो गया, अभी ऑन किए, और मल्टीमीटर पे जो कंटिन्यूटी है साउंड सिस्टम, वो हमको सेलेक्ट कर लेना है। अब ये साउंड सिस्टम पे आ गया हमारा, उसके बाद हम ये दोनों जो हमारे इसकी ये है, ये इसको चेक करेंगे, आपस में साउंड आएगा, ये टचिंग पे साउंड आएगा। अब हमको इसको क्या करना है कि ये हमारा छह नंबर जो छह हाफ है, पांच नंबर हाफ स्टार्ट है, जैसे एग्जाम्पल ये पांच नंबर छह नंबर, तो इसको हमको क्या करना है कि एक साइड हमको ये वायर टेस्ट करना है, और दूसरा इसका जो जाके मेन हाफ निकला है सीलिंग पे, तो उसको हमको सीलिंग पे क्या करेंगे ना, हम यहाँ से ये वायर, अभी ये वायर यहाँ से कनेक्ट करके, क्योंकि ये दो वायर हमारा जो मल्टीमीटर का ये वहां सीलिंग तक नहीं पहुंचेगा, इसलिए
इसमें मैं वायर जोड़ लिया हूँ, इसको ले जाके सीलिंग से टच करना है, उसके बाद इसको देखेंगे, जब ये ओके हो जाएगा तो यानी ये हमारा श्योर हो गया, फिर इसका नंबर डाल के हम रख देंगे। अभी हमारा पांच नंबर है, पांच नंबर हमारा कोप लाइट है, ये जो है कोप लाइट है। अब उसको वहां पे जो इसका हाफ निकला हुआ है वहां पे छील के टच करेंगे, उसके बाद यहाँ पे हम टच करेंगे, मेन यहाँ पे हमारा है, तो यहाँ से वहां जो गया है तो हमको वहां से एक वायर को लगा के टच करना है, और दूसरा हमको मशीन का ये वायर हमारा यहाँ से ऐसे आया, दूसरा छेड़ा हमको इधर किया। अब इसमें जब वायरिंग की गई थी तो इसमें टेम्परेरी ना टेप मार के मार्किंग कर दिया गया है, ये पांच नंबर लगा, एक दो तीन चार पांच, ऐसे पांच छह सात आठ नौ दस, ये बहुत सारे लगा, ये सब हटा दिया जाएगा, प्रोफेशनल वर्क होगा, ये तो टेम्परेरी था। अभी टच किया उधर, उस साइड टच है और ये मैं इधर टच कर रहा हूँ, ये साउंड आ रहा है, ये देखो इसमें उधर दिखाओ। अब मैं इसको इधर लगा के रखता हूँ और उधर हटाएंगे, टच करेंगे, हमारा आएगा साउंड, ये हमारा टच करके रखेंगे, उसके बाद उधर उधर टच करेंगे, फिर हमारा साउंड अलतुल आएगा, ये कंटिन्यूटी हमारा साउंड कर रहा है, ये हमारा श्योर हो गया। अब जो हमारा श्योर होने के बाद में क्या करेंगे इसको, इधर देखो ये हमारा फेरू नंबर है, एक से लेके ये दस तक है, एक से लेके नाइन तक, उसके बाद जीरो। अब ये हमारा पांच नंबर का जो है, ये दो पीस तोड़ेंगे इसको, और ये पांच नंबर इसको डाल के वायर में छोड़ देंगे, ये हमारा पांच नंबर पड़ गया, उसके बाद इसको वायर को फोल्ड कर देंगे, ऐसे फोल्ड करके टेप मार देंगे, ऐसे पड़ा रहेगा, दूसरा वाला उस साइड पे छोड़ देंगे, जिससे कि हमको कंफर्म रहे। अभी हमारा कंफर्म हो गया, इसमें भी फेरुल हमारा पड़ गया। अभी हमारा 11 नंबर कौन सा लाइट है, वर्टिकल लाइट है, जो इधर के बेड के पास में खड़े स्टेप में आएगी, मैं पीछे दिखाता हूँ, ये हमारा यहाँ पे बेड आएगा, और ये हमारा दो पॉइंट है, एक पॉइंट दो पॉइंट, ये दो पॉइंट, ये खड़ी स्ट्रिप लाइट आएगी नीचे तक, नीचे तक ये आएगी, तो हमारा ये इसका जो हाफ है कंट्रोल वायर, ये हाफ वायर हमारा यहाँ से आया है, 11 नंबर है, ये कितना नंबर है, 11, इसको लगाओ। अब यहां से इसको हम टच करेंगे और ऊपर से वो वायर लगा के रखेंगे, टच करो, हटाओ, टच, ये साउंड आ रहा है, कंटिन्यूटी यानी कंफर्म है, टच करो एक बार, फिर नंबरिंग भी दिखाते हैं, ये टच है और टच करने पे हमारा साउंड आ रहा है, उसके बाद ये नंबर आ रहा है, ये हमारा अभी कंफर्म हो गया। इसके बाद इसमें हम 11 नंबर डालेंगे, दो एक एक के दो पीस डाल देंगे इसमें और दो ऊपर डाल देंगे, जिससे कि हमारा ये श्योर हो जाएगा, ये दो पीस हो गए, इसके बाद वायर को फोल्ड करके इसमें हम टेप मार देंगे, जिससे कि बाहर नहीं निकले, दो पीस और दो ऊपर ऊपर डालते हैं, हाँ ये हमारा दो 11 हो गया। अब इसको भी हम इसका वायर का मुंडी मोड़ के इसके बाद इसमें टेप लगा देंगे, जिससे ये पड़ा रहेगा, जब भी कभी जरूरत पड़ेगी तो हम नंबर देख के ही पहचान लेंगे, इसी तरह हम वायर को पहचान सकते हैं और निकाल सकते हैं और चेक कर सकते हैं। तो हमारा कभी भी अगर कोई वायर है, अभी तो ये हमारा ये हाफ वायर चेक किया है, उसके बाद हमारा अभी टू वे वायर है, जब इसका टू वे कनेक्शन करेंगे तो यहाँ से यहाँ इसका हम कंटिन्यूटी मार के नंबरिंग करेंगे, नंबरिंग करने के बाद में करेक्शन करेंगे। तो इसी तरह अगर कभी भी अगर कोई कंफ्यूजन है तो हम वायर को मल्टीमीटर से चेक करके श्योर कर सकते हैं। ओके।